चुके हैं, आपको बता रहे हैं आज का मुनाफे का फंडा। पंकज गुड मॉर्निंग, आज बताइए कौन है मुनाफे का फंडा वाला शेयर? हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक बजट तक हमें लगता है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स काफी फोकस में रहने वाले हैं। एंड लास्ट अगर 5 साल में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंड है सरकार की तरफ से करीब 23% के हिसाब से ग्रो किया है। एंड लार्जली जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होता है रोड, रेल एंड डिफेंस में होता है, यहाँ पे 2/3 करीब होता है। तो मेरी जो पिक्स है वो दोनों इसी सेगमेंट को बिलोंग करती हैं। पहली जो मेरी पिक है वो टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, जहाँ पे मार्केट जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 385 है। ये स्मॉल कैप स्टॉक है एंड ये लीडिंग पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जहाँ 3 सेगमेंट में ऑपरेट करता है। ईपीसी करता है, रिन्यूएबल एनर्जी के पास में है, प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये उनको करता है। 92% इनका बिजनेस ईपीसी से आता है एंड देन पीपीपी प्रोजेक्ट्स में अगेन बूट प्लस ट्रांसमिशन वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वही सब देखते हैं। हमें अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इसके करंट ऑर्डर बुक 3600 करोड़ की है एंड आगे जाके मैंने गाइड किया है कि करीब 3000 करोड़ के ऑर्डर बुक और भी देखते हैं, एफजीडी में, टीएनडी में, स्मार्ट मीटरिंग में, डेटा सेंटर्स में। एंड इसकी वजह से हमें लगता है कि इसका ग्रोथ काफी बेहतर रहने वाला है। करीब 26% का हम टॉप लाइन ग्रोथ देखते हैं, करीब 30% का हम बॉटम लाइन ग्रोथ देखते हैं। इसको हमने करीब 13 के मल्टीपल पे वैल्यू किया, तो काफी महंगा स्टॉक का ये बिल्कुल नहीं है। प्लस कंपनी के पास में कैश बैलेंस है 1200 करोड़, तो डेट साइड में भी कोई इशू नहीं है। तो हमें लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छी लगती है इवन फ्रॉम अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव। दूसरा जो स्टॉक है वो केईसी इंटरनेशनल है। आई थिंक अप टिल नाउ अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो इनके मार्जिन 5% के नीचे थे। हमें लगता है कि आगे जाके इनके मार्जिन जो प्रोफाइल है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि जो भी लेगेसी ऑर्डर्स थे, फिक्स प्राइस ऑर्डर्स थे, वो सब धीरे धीरे सिस्टम से निकल जाएंगे। तो आगे जाके जो इनका FY24 में है मार्जिन प्रोफाइल डबल डिजिट में आ जाएगा। ये अगेन कंपनी ईपीसी मेजर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सेक्टर में पार्टिसिपेट करता है, पावर, टीएनडी, रेलवे, सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफी सारे सेगमेंट्स में है। एंड इनको जो ओवरऑल हमें लगता है कि फायदा आगे जाके बजट की वजह से होना चाहिए। लास्ट फ्यू इयर्स में ये टीएनडी के बजाय रेलवे एज ए सेगमेंट में भी काफी एंटर किया है। तो ओवरऑल इनका जो नॉन टीएनडी बिजनेस है वो करीब 50% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है एंड इनके ऑर्डर बुक काफी अच्छी रही है। तो करीब 27-28 करोड़ की इनके ऑर्डर बुक है और हमें लगता है कि क्योंकि लोअर बेस पे इसके नंबर्स इंप्रूव होंगे तो आपको प्रॉफिट ग्रोथ अगले 2 सालों में काफी अच्छी दिखेगी। ये स्टॉक को हमने करीब 17 के मल्टीपल पे टारगेट दिया हुआ है, तो जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस का 515 रुपये निकल के आता है। ओवरऑल हमें लगता है कि इंफ्रा एज अ स्पेस काफी अच्छा करना चाहिए टिल बजट, एंड क्योंकि सेकेंड हाफ जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए बेटर रहता है। फर्स्ट हाफ में आपका एग्जीक्यूशन भी वीक होता है तो उसे आपसे नंबर्स नहीं आते, सेकेंड हाफ में आपका एग्जीक्यूशन बेटर होता है, प्लस आपका ओवरऑल ऑर्डरिंग टेंडरिंग पे जो अनाउंसमेंट होता है वो भी काफी बेटर आता है। तो हमें लगता है इंफ्रा स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल या रिस्क रिटर्न प्रोफाइल काफी बेहतर है। ओके, ठीक है, दो स्टॉक्स आपकी तरफ से और आपको इंफ्रा स्पेस काफी है, पसंद आ रहा है। केईसी इंटरनेशनल की तो आप बात कर रहे हैं, वहां पर कई सारे सेगमेंट्स में उन्हें ऑर्डर भी मिले हैं, आज लगभग 1350 करोड़ के तो ऑर्डर मिले और इंफ्रा स्पेस बजट से पहले बेनिफिशियरी। ये सारे की ट्रिगर्स हैं दो पिक्स बताते हुए हमें मुनाफे का फंडा में आज पंकज। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज समय देने के लिए और ये सारा एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। चलिए अब एक